नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इसके बीच में। तो आज हम पर्सनालिटी 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में दिया है कॉस पाई अपॉन 4 माइनस साइन पाई अपॉन 4 माइनस साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 बराबर कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 हमको सॉल्व करना है। तो ये हमको LHS दिया है और ये RHS दिया है ना। तो यहाँ पर देखना है पाई बटी 4 दिया है, तो हम पाई बटी 4 यानी पाई जगह 180 रखते हैं और अपॉन 4 तो ये करेंगे क्या आएगा 45 डिग्री। यानी क्या हम यहाँ पर क्या लिखना है, कॉस 45 का मान लिखना है और यहाँ पर साइन 45 का मान लिखना है। तो चलिए लिखते हैं पाई की, यहाँ पर पाई की जगह 180 लिखते हैं, आप ये ध्यान रख लेना पाई की जगह क्या लगेंगे 180 डिग्री। तो कॉस से हम काटेंगे क्या चाहिए 45 डिग्री, तो अब कॉस 45 का मान कितना होता है हम यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर साइन 45 का मान लिख देंगे और यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 का मान लिख देंगे। तो ये ऐसे करके ये कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 आ जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या है, इसको काटेंगे क्या हो जाएगा कॉस 45, LHS ले रहे हैं हम, कॉस 45 इंटू साइन 45 माइनस साइन स्क्वायर ये कितने 180 है, 180 से 6 का भाग देंगे क्या आएगा 30 डिग्री। अब हमें इनकी मान रख देना है, तो कॉस 45 का मान रखते हैं, कॉस 45 का मान होता है 1/√2 इंटू साइन 45 का मान कॉस 45 साइन 45 का मान सेम होता है, इसका मान 1/√2 माइनस और साइन 30 का मान होता है 1/2 लेकिन होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर चढ़ा दिया, ये क्या चढ़ा दिया इसका वर्ग चढ़ा दिया। तो अब करते हैं 1 का 1 में करेंगे तो 1 अपॉन √2 का √2 में करेंगे तो 2 आएगा माइनस इसका करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब हम क्या LCM ले लेंगे बराबर, LCM कितना आएगा 4, इसका LCM कितने 2 से 2 आ जा रहा है 2 2 4 माइनस और 1। अब देखते हैं क्या होगा, में से माइनस बन जाएंगे क्या बचेगा 1/4। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए बराबर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, 1/2 स्क्वायर लिख दिया। अब हमें देख हमें क्या लाना है कॉस स्क्वायर 5/3 यानी क्या लाना है 5/3 यानी यहाँ पर 180/3 करेंगे कितना 60 डिग्री और 60 का मान कितना होता है 1/2 आ रहा है और स्क्वायर चल रहा है यानी 1/2 का स्क्वायर, यही LHS बराबर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 क्योंकि पाई बटे 3 यानी 60 डिग्री होता है और 60 डिग्री का मान क्या 1/2 और ये स्क्वायर चल रहा है तो ये स्क्वायर, तो ये बिल्कुल सेम ऐसी संख्या है। तो ये हमने LHS बराबर आता है सॉल्व कर दिया है। इसका लास्ट क्वेश्चन 6 और रह रहा है वो और सॉल्व करके बताते हैं। तो 6 क्वेश्चन लिख लेते हैं क्या है, हमने 6वां क्वेश्चन लिख लिया है और इसके एक और क्वेश्चन है 7वां, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर ही हमारी पर्सनली समाप्त हो जाएगी, फिर क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ तक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6वां, देखते हैं क्वेश्चन 6वां दिया है 10² π/3 प्लस 2cos²π/4 प्लस 3sec²π/6 बराबर हमको क्या लाना है 11 लाना है, हमको इसको पूरे सॉल्व करके 11 लाना है। तो मैंने कहा था 5/3 5/4 यानी हम 180 रखते हैं, यहाँ पर 180/3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पर हम क्या कर देंगे LHS लेके बराबर 10² क्या 180/3 किया तो क्या हुआ 60 डिग्री लिख दिया प्लस 2cos², इसका 180 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा 45 डिग्री, ये 45 डिग्री लिख दिया प्लस 3sec² जब 180 में 6 का भाग देंगे तो क्या आएगा 30 डिग्री है ना, ये हमने लिख दिया। अब हमें इसकी क्या मान लिखना है, तो बराबर 10 साइड का मान क्या होता है √3 स्क्वायर चढ़ रहा था, हमने इसका स्क्वायर चढ़ा दिया प्लस 2cos किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा है, तो साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है, इसका उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा √2 × √2² प्लस 3 × sec किसका होता है sec cos का उल्टा होता है तो cos 30 का मान होता है √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा √3/2 का उल्टा होगा 2/√3 इसका चल रहा था हमने इसका चढ़ा दिया। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं, √3 × √2 करेंगे क्या आएगा 3 प्लस 2 इंटू
टू का स्क्वायर करेंगे टू आएगा, प्लस थ्री इंटू टू का स्क्वायर करेंगे फोर अपॉन थ्री। तो ये देखो थ्री से ये थ्री गए, क्या बचा थ्री प्लस टू का इंटू टू में करेंगे फोर प्लस फोर, हम प्लस करेंगे क्या एट और थ्री फोर, फोर एट हो जाएंगे और एट एट और थ्री कितने हो जाएंगे इलेवन। तो ये हमें RHS में लाना था, तो LHS बराबर RHS आ गया। और ये प्रश्नावली हमारी फोर ए ख़त्म हो चुकी है। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना ये सवाल कैसा लगा है, बहुत ही अच्छा सवाल था। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो फोर पॉइंट बी में।